हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखते हैं मेथी मटर की बहुत ही क्रिस्पी और करारी रेसिपी। देखिए कितनी करारी है ना, तो चलिए बढ़ते हैं इसकी ओर। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर जिसे हम कहते हैं, और 1.5 कप मैंने लिया है यहाँ पे गेहूं का आटा। ठीक है, आप आपके पसंद के हिसाब से आटे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्रपोर्शंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून तिल, यहाँ पे मैंने ली है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पे भी आप आपके पसंद के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बड़ा भर के कसूरी मेथी ली है और स्वादानुसार नमक। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल। ये तेल डालने से हमारी जो मटरी है ना, ये बहुत ही खस्ता और करारी सी बन के रेडी हो जाएगी। चलो अब इन सबको हाथों से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आटा गूंद लेते हैं। क्या है ना, मेरे यहाँ पे मार्केट में अभी तक हरी मेथी आई नहीं, तो मैंने कसूरी मेथी का ही यूज़ किया है क्योंकि मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था मेथी मटरी। तो आटा लगा के मैंने 5 मिनट यहाँ पर रेस्ट करने छोड़ दिया है। अब देखिए 5 मिनट के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे फिर से एक बार आटे को मैं अच्छे से गूंद लेती हूँ। आटा गूंदने के बाद इसे हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 समान भाग में इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है ना, तो अभी इनको रखते हैं साइड में। अभी हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून घी। अगर आप चाहिए तो कॉर्नफ्लावर की जगह पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको अच्छे से 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंट लेना है, इसको जब तक क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता जैसे बटर की जैसे, तब तक इसको अच्छे से फेंट लेना है। देखो अभी आ गया ना इसका क्रीमी टेक्सचर, कितना मस्त स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गया है। तो चलिए पहली लुई लेके अब हम इसकी एक चपाती बेल लेते हैं। मैं चपाती यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि हमें यहाँ पे बहुत मोटी पराठे जैसी रोटी नहीं चाहिए, हमें जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं ना, उस तरह का हमें जो एक शीट चाहिए, आप शीट भी बोल सकते हो इसको, तो एक ऐसे हमें एक पतली भी नहीं मोटी भी नहीं, जैसे नॉर्मल चपाती होती है वैसे हमें एक इसका जो क्या बोलते हैं शीट हम एक बना के लेंगे, एक चपाती बोल दीजिए, चपाती बना के ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक एक करके मैं सारी चारों जो मेरी रोटियाँ हैं, जो मेरी शीट्स हैं, मैं इनको अच्छे से बेल के रेडी कर लेती हूँ। दिवाली के बाद क्या होता है ना, विंटर का सीज़न आ जाता है, और जैसे ही विंटर का सीज़न आ जाता है ना, तो सबके घर में फिर से कुछ ना कुछ स्नैक्स बनना चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे मेथी का सीज़न है तो मेथी मटरी, बहुत तरह के स्नैक्स होते हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहले मैंने पहली चपाती ली है। देखो इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल चपाती रहती है ना, बस वैसे ही है, ना ज़्यादा पतली है पापड़ की तरह, ना ज़्यादा मोटी है पराठे की तरह। ये मीडियम चपाती मैंने बनके यहाँ पर रेडी की है। तो ये पहली चपाती है मेरी। अब इसके ऊपर जो मैंने हमने जो फेट लिया था ना, कॉर्नफ्लावर और घी का मिक्सचर, हम उसको अच्छे से स्प्रेड करके लेना है। अब हाथों से स्प्रेड करोगे ना, तो अच्छे से इवनली हर जगह पे ये स्प्रेड हो जाएगा, किनारे किनारे से, सेंटर में, हर जगह से इक्वली आप इसको अच्छे से स्प्रेड करके ले लीजिए। इसके बाद मैं रखूँगी हमारी दूसरी चपाती। ठीक है, दूसरी शीट में यहाँ पे अच्छे से रख लूँगी। अगर आप दूसरी चपाती, अगर आपकी थोड़ी छोटी बड़ी है, तो आप उसको अच्छे से उसको प्रेस करके एक बार फिर से आप उसको अच्छे से बेल लीजिए, तो वो बेल कर थोड़ी लंबी हो जाएगी, इक्वली हो जाएगी। फिर से उसके ऊपर आपको वो सेम पेस्ट अप्लाई करनी है, हर जगह से स्प्रेड करनी है अच्छे से। देखिए
आप चाहिए तो सिंगल चपाती को भी ऐसे स्प्रेड करके रोल करके उसके भी बना सकते हैं, बट उसमें जो लेयर्स है ना गाइस वो लेयर्स नहीं बनेंगे। तो आपको दो या तीन ऐसे चपाती को प्लेस करके आप रोल बना के करोगे तो उसके लेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से उठ के आएंगे। देखिए अभी हमें यहाँ पे अच्छे से टाइटली इसका एक रोल बना लेना है, अच्छे से टाइटली दबा दबा के इसका रोल बना लेना है, ठीक है। रोल दबाने के बाद उसको अच्छे से थोड़ा बीच में थोड़ा मोटा रहेगा तो उसको इक्वली ऐसे घोल घोल के हमें उसको इक्वली एक शेप देनी है। देखिए बीच में ना थोड़ा मोटा रह जाता है तो उसको बीच में से थोड़ा आप ऐसे प्रेस करके उसको लंबा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो इक्वली शेप में आ जाएगा। उसके बाद आधा आधा इंच के दूरी पे या मोटाई पे आपको कितनी मोटी आपको मटेरियल चाहिए वो आपके हिसाब से मेजरमेंट से आप उसको कट कर लगा सकते हैं। तो देखिए इसके जो किनारे हैं ना वो काट के मैंने हटा दिए, उसको हम जो किनारे जो लास्ट में हमने जो कट किए ना उसको हम लास्ट में सबसे ट्राई करेंगे बेल के। तो देखो इस तरह से हमारे कट हुए। तो अभी आपको बेलने के दो तरीके यहाँ पे बताऊँगी जो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किए। देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि हमें एक उसका जो कट है उसको लेना है और जो ऊपर की तरफ उसका मुंह दिख रहा है ना आपको वैसे दबा लेना है एक तरफ, और एक तरफ का ऐसे ओपन ही लगाना है और जो ओपन वाला जो उसका मुंह है ना उसको हमें अच्छे से बेल लेना है इस तरह से, एक साइड को बेल लेना है। तो क्या है ना जो आपके जो लेयर्स आएंगे ना वो एक तरफ से अच्छे से आएंगे क्लियरली, देखो इस तरह से, और इस मोटाई में मैंने इसको बेल के लिए। अभी जो दूसरा तरीका है उसमें हम जैसे दिखाए गए तरीके से उसको ऊपर से प्रेस करना है और उसी तरह से आपको बेल भी लेना है। इसमें जो क्या है ना जो लेयर्स आपके फ्राई करने के बाद में दोनों तरफ लेयर्स दिखेंगे। तो अभी मैंने तेल को गर्म कर लिया है और मीडियम आंच पे मैं इसको साइड से ऑयल में छोड़ रही हूँ। इसे तल लेते हैं गाइस पलट पलट के अच्छे से क्रिस्पी होने तक और उसके लेयर्स उभर के आने तक इसको अच्छे से गर्म तेल में तल लेते हैं। देखिए यह आप जितना भी बनाओगे ना ये ऐसी चीज़ है ना कि आपके घर में रह ही नहीं पाएगी, बस यू ऐसे दो तीन दिन में ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। ये इतनी अच्छी और इतनी स्वादिष्ट लगती है। ये फर्स्ट टाइम ही मैं रेसिपी ट्राई कर रही हूँ कसूरी मेथी से बनी मटरी। बहुत जल्दी मैं जो हमारी हरी मेथी रहती है उससे भी मैं आपको मटरी बना के रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी और लेयर्स, देखिए गाइस क्या लेयर्स आए, वाओ। देखिए हमारी मेहनत रंग लाई है ना। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल